हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही रिलेटेड एक और सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में कई वीडियोस में बना चुका हूं पहले भी। उसका नाम है लिब्रा ऑफिस कैल्क। तो कैल्क के बारे में ये वीडियो है, आइए दिखाता हूं कैल्क में हमें आज क्या करना है। देखिए ये कैल्क है और ये भी आपको एक्सेल जैसा ही दिखाई पड़ेगा। इसके चारों तरफ हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये पूरा डेटा बॉर्डर लग जाए इसमें, तो यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से जा करके इस पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए चाउमीन है, चीनी है, सरसों का तेल है, साबुन है, मसाला है और पाउडर है, तमाम आइटम्स हैं। अब ये आइटम्स की कीमत भी यहाँ दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यूनिट दिया गया कितना कितना लिया गया, उसके बाद हमने टोटल कर दिया है इसका। लेकिन समस्या ये है कि टैक्स 5% इन सभी पे अप्लाई होगा और उसके हिसाब से कितना कितना टैक्स हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल एक्सेल के जैसे ही इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू होगा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिएगा पहले वाले वैल्यू को, इसका सेल एड्रेस है D2, तो D2 यहाँ आ गया है, मल्टीप्लाई बाई टैक्स से जो टैक्स परसेंटेज दिया गया उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन समस्या हमारे साथ एक है कि अगर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और यहाँ पर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो सारा डिटेल आ जाएगा, तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम चेंज होने के साथ साथ नीचे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे D2 इंटू यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, ये कंट्रोल जेड करता हूँ पहले, ये देखिए ये देखिए F2 यहाँ पे D2 इंटू G5 जो दिया गया है, तो ये नीचे आने पर D3 इंटू G6 बन जाता है। तो D3 तो ठीक है लेकिन G6 गड़बड़ है, इसको चेंज नहीं होने देना है, तो इसलिए हमें इसे बनाना होगा मिक्सड सेल एड्रेस, जैसे कि एक्सेल में हम लोग करते थे, याद है आपको, शायद याद भी होगा, तो वही हमें करना है। तो F2 करेंगे और यहाँ पर 5 को फिक्स कर देंगे, यहाँ डॉलर लगा करके, डॉलर लगा दिया तो ये फिक्स हो जाएगा। देन अगर हम नीचे अब इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा और सारा टैक्स कैलकुलेट होता हुआ आपको नजर आएगा।